नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू वॉश योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेस सीखेंगे। पर मेरा थोड़ा रूटीन अलग है, तो फिर मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आप मेरा कोई भी फ्यूचर अपलोड्स मिस ना कर पाए। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फिर पहली बात, हम ये डर्टी ब्रशेस देखेंगे जो कि मैंने आज ही यूज़ किया है। और हम नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, एवरी टाइम मैं अपना मेकअप करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं अपने ब्रशेस वॉश करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ हाँ, उसमें बहुत सारा जर्म्स रह जाता जो कि मैं नहीं चाहती कि उसमें हाँ, किसी तरह का ब्रेकआउट मेरे फेस पर आए। तो फिर इन्हें वॉश करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट की, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उससे पहले हमें एक प्लेट की ज़रूरत है, और ये एक केक का प्लेट है। मुझे ये कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है, इसके लिए मैंने रख दिया है। देन वी विल टेक दिस बेकिंग सोडा, ये 100% नेचुरल और एडिबल है। हाँ, आप खा भी सकते हैं इसका मतलब। और फिर ये एक कोकोनट ऑयल की बॉटल है, और मैंने नेक्स्ट वी विल टेक ए लिक्विड सोप। तो फिर ये मेरे ख्याल से डिटॉल है या तो फिर हम लाइफ बॉय है। तो फिर हाँ, हम पहले उन्हें हाँ पहले हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करेंगे, और उसे अच्छे से हम हमारे बेकिंग सोडा में डिप करेंगे और ऑयल में, ताकि क्या होगा कि जो एसिड है वो ब्रेक डाउन हो और बैक्टीरिया निकले। फिर लास्ट स्टेप होगा हमारा लिक्विड सोप यूज़ करना। फिर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक डर्ट उसमें से निकल जाता है, जिसके कारण एक्चुअली मेरे फेस का बहुत सारा हाँ मुझे एक्चुअली बहुत बार हाँ ब्रेकआउट्स होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल पर रिड्यूस हो गया है। नॉर्मली क्या होता है कि हाँ, अगर आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स क्लीन ना हो तो भी ये इशू आता है। हाँ, पर मेरे लिए ये बहुत ही लेवल तक रिड्यूस हो गया। तो फिर ये एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर है, और ये बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट है। मैंने इसके बारे में रिव्यू किया है, जिसकी लिंक मैं उस आई सेक्शन में डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। फिर हम ये कॉन्टोर ब्रॉन्जर ब्रश लेंगे, और हम पहले हाँ बेकिंग सोडा में डिप करेंगे, फिर ऑयल में, और फिर लास्टली इस हाँ लिक्विड सोप में। और फिर हम हमारे हाथ में एक सर्कुलर मोशन करके उसे हाँ मीन्स रब आउट करना चालू कर देंगे। मेरे पास कुछ स्टफ़ है, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपना हाँ अपने ब्रशेस धो सकते हैं। लाइक हाँ, एक तरह का स्क्रब होता है, पर वो बहुत ही रफ़ है, और वो किसी भी तरह का मेकअप नहीं निकालता मेरे ख्याल से। तो फिर मैं अपने फिंगर्स और मेरे हैंड्स को ही प्रेफर करती हूँ वॉश करने के लिए ब्रशेस। फिर ये एक आई शेडो ब्रश है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट कुछ हाँ बेसिक ब्रशेस की हाँ डिटेल्स आपको दिखा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको आप समझ सकेंगे कि मैं किस तरह से इसे वॉश करती हूँ। बिकॉज़ हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप डिश वॉशर लेते हैं तो भी हाँ मतलब कि आपके ब्रशेस क्लीन निकल सकते हैं, पर मैंने नोटिस किया है कि उस पर हमेशा से एक चीज़ लिखी रहती है कि आपको उसे बच्चों से या तो फिर अपने स्किन से हाँ दूर रखना चाहिए। आपको हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए, या तो फिर उससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, जिसका इफेक्ट आपके ब्रशेस पर भी होता है। और हाँ, उसके कारण आपके ब्रशेस बहुत ही ड्राई होकर उसके ब्रिसल्स निकलने लगते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से ये मेथड बहुत ही इजी और अच्छा है। और आप इसे एक बॉटल में या तो फिर एक जार में भी पैक करके रख सकते हैं। सो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। मेरे चैनल को कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट में देखना प्रेफर करेंगे। और या बाय।